हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को बटन और काज बनाकर दिखाऊंगी। बटन और काज डबल पट्टी पर लगते हैं, इसलिए मैंने इस पट्टी को डबल फोल्ड करके पट्टी जैसा बना लिया है। देखिए, नीचे वाली पट्टी पर मैं बटन लगाऊंगी और ऊपर वाली पर काज बनाऊंगी। इसके लिए सबसे पहले हमें सुई का ध्यान रखना होगा। देखिए, मेरे पास दो तरह की सुई है, मैं आपको दिखा देती हूँ। एक सुई का बैक साइड का होल बहुत छोटा है और एक का बड़ा है, तो हमें इस प्रकार की सुई लेनी है जिसका होल बड़ा हो, क्योंकि डबल धागे का यूज़ करना है जिससे कि आराम से धागे को सुई में डाल सकें। यहाँ पर मैंने डिफरेंट कलर के धागे का यूज किया है जिससे कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। देखिए, धागे को डबल कर लेते हैं। इस धागे के लास्ट में एक नोट लगा देते हैं। अगर धागा नोट के आगे बचा हुआ है तो फिनिशिंग के लिए इसे काट देते हैं। इस धागे को लंबा कर लीजिए इस प्रकार। देखिए, यहाँ पर मैं बटन लगाऊंगी, तो इस प्रकार बटन रखें और बैक साइड से इस प्रकार सुई को ऊपर निकाल लें। अब इसके सामने वाले छेद में सुई को डालना है। फिर दूसरे छेद में डालना है, धागे को टाइट कर कर लेना है, फिर इसके सामने वाले में डाल दें। इसी प्रकार दोबारा रिपीट करते हैं। तीन या चार बार आप इसको रिपीट कर सकते हैं जिससे कि बटन बिल्कुल पक्का हो जाता है। अब बैक साइड में इधर दो बार पक्का करना है हमें इस प्रकार। इसके बीच में से निकालना है, एक बार और ऐसे ही करना है। अब हमारा बटन नहीं टूटेगा। अब इस पट्टी पर काज बनाना है, तो पहले ऊपर से इस प्रकार पट्टी को बिल्कुल इससे मिलाते हुए रख देते हैं और बटन के सामने एक छोटा सा निशान लगा लेते हैं। अब इस कपड़े को यहाँ से बीच में से फोल्ड कर इस प्रकार एक कट काटना है। यह कट बहुत छोटा होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। अब कट को खोलकर देख लेते हैं, अगर ज़्यादा छोटा है तो आप इसको ज़रा सा बड़ा अब कर सकते हैं इस प्रकार। देखिए, इस होल को इस प्रकार हाथ पर रखें लपेटते हुए, और सबसे पहले बैक साइड से धागा निकालेंगे, बिल्कुल बीच से स्टार्ट करते हैं। ऐसे छेद के अंदर से सुई को ले लेते हैं। देखिए, अब आपको बस इसमें थोड़ा सा ध्यान यह रखना है कि अब आपको धागा सामने ऐसे रखना है और सुई को बाहर से इस तरफ से निकालना है, और धागे को निडिल के आगे इस प्रकार रखें। यह भी हमें दोहरे धागे से ही करना है। जब सुई को फैब्रिक में डालते हैं तो यह दूरी बिल्कुल सेम होनी चाहिए और बिल्कुल पास पास डालते हैं, ज़्यादा दूरी पर नहीं। इस प्रकार ज़्यादा दूरी पर नहीं डालते, और ऐसे नहीं कि कहीं कभी इधर डाल दिया या फिर इधर डाल दिया। यह दूरी सेम रखनी है। आप चाहे तो यहाँ पर निशान भी लगा सकते हैं चौक वगैरह से। बस धागे को इसके सामने इस प्रकार रखना है। देखे, काज बनाते हुए मैं बिल्कुल नोक पर आ गई हूँ, तो आपको भी ऐसे ही फिनिशिंग से बिल्कुल पास पास टाके लेने हैं। धागे को इस प्रकार रखें
काज बनाने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, पेशेंस के साथ काज बनते हैं। देखे बिल्कुल पास में एकदम। हमें धागे को ज़्यादा भी नहीं खींचना और ढीला भी नहीं छोड़ना, बिल्कुल बैलेंस कर कर चलते हैं। देखे मैंने काज कंप्लीट कर लिया है, लास्ट टाका है। अब आप इसको पहले बटन में बंद कर कर देख ले कि सही बना है या नहीं। अभी हम अगर यह बड़ा रहता है तो इसे एडजस्ट करके यहाँ से छोटा भी कर सकते हैं, देख लेते हैं। देखिए हमारा काज बिल्कुल ठीक बना है, न ही टाइट है और न ही ढीला है। लेडीज़ कुर्तियों में इस तरह के बने हुए काज बहुत सुंदर लगते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि यह ढीला है तो आप यहाँ से बैक साइड में निकाल लें। अब हमें यहाँ पर दो बार पक्का करना है, हमें यहाँ पर दो बार नोट लगाकर पक्का करना है। लेकिन उससे पहले अगर आपको काज बड़ा लग रहा है तो आप यहाँ पर एक टाका इधर से और एक इधर से लेकर इसको छोटा कर सकते हैं। देखिए दो बार इस प्रकार कर दें। दो बार नोट जरूर लगानी चाहिए वरना काज कई बार खुल जाते हैं। इस प्रकार आप बहुत फिनिशिंग से काज बना सकते हैं। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और मेरी वीडियो को शेयर भी कीजिए। थैंक यू।